नमस्कार, मैं गौरी, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आपसी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आज यानी कि 9 जून को शपथ ग्रहण होने वाला है। समारोह में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। मोदी के साथ नई कैबिनेट में कई सांसद भी मंत्री शपथ लेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होने वाला है। इस समारोह में दुनिया भर के कई देशों के नेता शामिल होंगे, लेकिन लोगों की खास नजर विपक्ष पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज होने वाले शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया है। तो वहीं कुछ नेताओं ने शपथ समारोह पर टिप्पणी करते हुए बताया है कि उन्हें समारोह में बुलाया नहीं गया है। आपको बता दें, खड़गे को शनिवार देर रात भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने न्योता दिया। खबरें हैं कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पार्टी के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। उनका कहना है कि अभी तक हमें सरकार की तरफ से ना ही न्योता मिला है और ना ही कोई सूचना दी गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इनविटेशन काफी देर में आया है, जिससे मंशा से किसी को न्योता दिया जाता है, उस मंशा से नहीं दिया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी निमंत्रण न आने की बात पर नाराज हैं, नाखुश हैं। तो वहीं एक तरफ कुछ लोगों ने समारोह में जाने की बात पर संदेह जताया है और किसी ने नाराजगी जताई है। तो वहीं ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि ना ही मुझे न्योता दिया गया है और ना ही मुझे समारोह में जाना है। फिलहाल आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 7,000 मेहमानों को बुलाया गया है, जिनमें विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। तो वहीं कुछ विपक्षियों को भी आमंत्रित किया गया है। अब वो इस समारोह में आते हैं कि नहीं, ये तो शाम को पता चलेगा। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।